हेलो एवरीवन, हमारे ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और रौनक मैंने यहाँ पे कैचअप लगा, तो मैंने ब्रेकफास्ट करके मूड रिन्यूड हो गया। तो रौनक का 12 बजे ट्यूशन है और मैं बिल्कुल भूतनी की तरह बैठी हुई हूँ। मैं भी अब जा रही हूँ नहाने के लिए। मैं भी वो पहले से नहीं, मैं वैसे बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। आई एम अ ब्यूटीफुल लेडी, इतना भी झूठ मत बोलिए गाइस। इन लोगों ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, मुझे इतने बड़े शोरूम पे लेकर गए और सिर्फ एक टी शर्ट के लिए, जिसका हम एक मिडिल क्लास फैमिली है, हम एक बहुत ही बड़े अमीर घर के लोग नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बट फिर भी मेरा ये मानना है कि फिजूल का खर्च है वो, फिजूल का खर्च। एक टी शर्ट लेना था स्कूल का, तो आप कौन सा कम लेती, तो आप कौन सा कम। इसके पापा बार बार बोल रहे थे कॉलर वाला, कॉलर वाला, कॉलर वाला। हम गए सीपी मार्केट में, तो एक मतलब शोरूम तो नहीं कह सकती, मतलब वो था मतलब शॉप थी, बातें एक शॉप थी, ठीक ठाक था देखने में भी। तो हम वहाँ पे घुसे तो जो शोरूम दिखते हैं ना, वो थी मैं अम्बानी जितने। हाँ, ये अपना वहाँ मस्ती करने लग गया और मेरे हस्बैंड महाशय जी वो वहाँ पे टी शर्ट देखने लग गए। अच्छा हुआ मैं दूसरा नहीं देख रही थी, तो उन्होंने टी शर्ट देखी, पसंद करी, तो मैंने कहा थोड़ा छोटा है ये, थोड़ा सा बड़ा ले लो, बर्थडे वाला बच्चा है तो जल्दी से छोटा हो जाएगा। मानी नहीं मेरी बात और ले लिया, ठीक है। तो कम से कम टैग तो देखना चाहिए था। नीचे आया, जब बिलिंग किया तो पता है उसने क्या बोला, 3150। तो मुझे पहले समझ में नहीं आया या फिर क्या था, मैंने कहा है तो मुझे कितना, तो बोला तो मुझे तो सुनाई तक भी नहीं दिया। 3150 रुपए का वो टी शर्ट था। मैं इतना मुझे गुस्सा आया कि मैं क्या बताऊँ। मुझे ऐसा लगा कि शायद रौनक के पापा ने टैग देखा था और उन्होंने ही शायद पसंद किया होगा, तो इसलिए मैं कुछ बोली नहीं। तो लेकिन मेरे दिल में एक बात आई कि मानो अगर मेरे पास पैसा नहीं होता, या फिर हमारे पास पैसा नहीं होता, तो फिर हम क्या करते हैं? ये गलत बात होती है। मैं सबको यही एडवाइस करूँगी, चीज़ें वही लेनी चाहिए जो ठीक हो। पहनना ही है आपने, तो एक टी शर्ट के लिए इतना पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए। मतलब वो टी शर्ट तो आप एक चीज मांग के खरीदे हुए 4-5 दिन हो चुके हैं, लेकिन वो मेरे दिमाग में फट ही नहीं रहा, क्योंकि वो टी शर्ट देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बाहर से कहीं दुकान से लेती बाई गुड, वो ज़्यादा से ज़्यादा 500, उससे ज़्यादा वो नहीं था वो टी शर्ट। मतलब मुझे इतना फील हुआ वो पैसा, मुझे इतना दुख लगा वो पैसा देने में कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी, तो प्लीज़ कहीं पर भी जाए सबसे पहले टैग देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये जेन्युइन रेट है, इस कपड़े का हमें इतना पैसा देना चाहिए, तो ही लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए, बेकार है फिजूल के खर्च। बस इसको और इसके पापा के तरफ ना डंडे मारूँ मैं। अब से मैंने कान पकड़ लिया है, इन दोनों के साथ शॉपिंग करने मैं कभी नहीं जाऊंगी। मैंने एक गाउन देखा था तो हम पीस के लेके जाएंगे, वो 400 रुपीज का था, तो मैंने उसको बोला कि आप 100 रुपीज कम कर लो, मैं 300 का ले लूंगी। उसने दिया नहीं, क्योंकि मुझे 400 ना उस कपड़े में ज्यादा लग रहा था। मैंने जब 400 का नहीं लिया, तो इन लोगों ने एक ही बार में एक टी शर्ट के लिए 3150 रुपया स्वाहा। पैसे तो आपके रखे, देख रहे हैं आप। चलो गाइस, आज का ब्लॉग हम यहीं से स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। अभी हो रहा है मॉर्निंग की 11 बजे, दोपहर होने वाली है, तो रौनक ने नहा लिया है और ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। मैंने आपको बनाया था पिज्जा सैंडविच, अगर आपको उसकी रेसिपी देखनी है तो मेरे प्रिय आधे रेसिपी में जाके आप देखिएगा उसकी वीडियो, उसकी रेसिपी। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और आप मेरी व्यू आप देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो उससे मुझे बहुत ही अच्छा मोटिवेट मिलता है आगे काम करने के लिए। मेरे लिए काम ब्लॉग हो गया, चाहे रेसिपी हो गई, बहुत मुश्किल होता है क्योंकि घर में बहुत गर्मी का टाइम हो रहा है, रेसिपी बनाना भी बहुत मुश्किल होता है और डेली सोचना पड़ता है आपको कि आपको क्या बनाना है और कल का ब्लॉग क्या।
कल का ब्लॉग के लिए आपको क्या तैयारी करनी है, उसके लिए काफ़ी मेहनत लगता है। तो अगर आप देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो उससे बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिलता है। जब बोल रही हो ना थकावट की बात है, पर अभी तो आप एसी में बैठी हुई है और मैं गर्मी तो है गाइस। तो अभी दिन के 11 बज रहे हैं, तो आज हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो देखिए शाम तक हम क्या क्या करते हैं, कहीं जाते हैं या नहीं जाते हैं, फिर आज हम घर का ब्लॉग नहीं ऐड करते। तो बस ऐसे ही ठीक है, जा रही हूँ मैं रौनक को लेने के लिए, और मेरे हाथ में कुछ चोट भी लगी हुई है, तो स्कूटी चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे। तो मैंने खाना तो खैर बनाया नहीं है अभी तक, क्योंकि मुझे दाल बनाया हुआ है और कुछ आज तबियत ठीक 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 नहीं लग रही मुझे। दाल तो आई थिंक लगभग लगभग बन ही गया होगा मेरा, बहुत धूप भी हो रही है देखिए आज। पता है क्या, दो दिन ठीक मौसम ठीक रहता है, फिर दो दिन गर्मी होती है, दो दिन ठीक रहता है, बहुत गर्मी होती है, तो मौसम है दिल्ली में कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं जा रही हूँ अपने रौनक को लेने के लिए, उसको लेकर आऊँगी, फिर उसके बाद बनाएंगे उसके आगे का ब्लॉग। हेलो गाइस, तो अब शाम हो गई है, शाम के हो गए 6, तो हम जा रहे हैं जोमसा रेस्टोरेंट। जोमसा रेस्टोरेंट का मैंने कई बार ब्लॉग बनाया है वहाँ का, लेकिन मैंने वहाँ का डिनर करते हुए कभी भी नहीं बनाया है। सो हम जा रहे हैं आज वहाँ पे खाना खाने के लिए, क्योंकि रौनक का बहुत मन कर रहा है, तो मैं जा रही हूँ वहाँ पर रौनक को लेकर। तो वहाँ का हम जब हम पहुँच जाएंगे तो हम वहाँ का बनाएंगे ब्लॉग। बहुत आज उदास भी है मेरा बेटा, और देखते हैं हम क्या खाते हैं आज वहाँ पे, और वहाँ जाने के बाद हम दोबारा से मिलेंगे। ये आ गया हमारा फ्राइड राइस, तो गाइज हम आ चुके हैं घर, और अब हम बहुत थक भी गए हैं, और हमने खा पी लिया, सब कुछ कर लिया, मस्त हो गए। तो गाइज ब्लॉग अभी ही एंड करने जा रही हूँ मैं, रेसिपी चेंज कर लिया मैंने। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और आज काफ़ी शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई है। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलेगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।